चोरी। एक रात में कई लोगों को जिंदगी जीते देखा होगा, पर क्या कभी एक रात में लोगों को एक के बाद एक दम तोड़ते देखा है? यह कल्पना ही कितनी भयानक लगती है जो लाशों और चीखों से भरी हो। किंतु दुनिया के इतिहास में ऐसी कई काली रातें दर्ज हैं जो मौत के नाम हो गई। वह काली मौत थी जो बार बार आई और जब भी आई अपने साथ लाखों जाने ले गई। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, जिसने भी दिन का सूरज देखा वो रात का चांद देखने से पहले ही दुनिया से अलविदा कर गया। इतिहास में उस भयावह घटना को ब्लैक डेथ के नाम दिया गया, जिसने देखते ही देखते यूरोप की आधी आबादी को मौत की नींद सुला दिया और फिर एशिया और अफ्रीका में अपना कहर बरपाते हुए अचानक खत्म हो गया। शुक्र है कि हमने वो दौर नहीं देखा, किंतु हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर क्या थी यह ब्लैक डेथ। नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। जिस आधुनिक यूरोप को आज हम देख पा रहे हैं उसकी स्थिति 13वीं शताब्दी में अफ्रीकी देशों से ज्यादा अच्छी नहीं थी। यहाँ के लोगों के पास रोजगार के साधन सीमित थे और ज्यादातर जनसंख्या खेती पर निर्भर थी। आर्थिक स्थिति लगभग एशियाई देशों के जैसी ही थी। जैसे तैसे करके यहाँ के लोगों का गुजारा हो रहा था। शिक्षा का अभाव और स्वास्थ्य के प्रति चेतना न होने के कारण मेडिकल सुविधाओं पर काम नहीं किया गया था। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए यूरोप की जनता केवल ईश्वर पर निर्भर थी। वे चर्च जाते, प्रेयर करते और यह काफी न होता तो तंत्र का सहारा लेते, पर दवाओं से उनका सरोकार नहीं था। 1315 में यूरोप के मौसम में बदलाव आना शुरू हुआ, जिसका सीधा असर वहां के जनता के स्वास्थ्य पर हुआ। इसी का दूसरा बुरा असर खेती पर भी हो रहा था। देश में आबादी लगातार बढ़ रही थी, नतीजन कुछ ही समय में यहाँ खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। मौसम के बदलाव के कारण जिस समय बारिश नहीं होनी चाहिए उस वक्त भीषण बारिश हुई, ओले गिरे और फसलें खराब हो गई। सर्दियों का मौसम एक बार फिर आया तो फिर लंबे समय तक नहीं गया, जिसमें धीरे धीरे धरती बंजर होने लगी। ऐसा वक्त भी आया जब अनाज की कीमतें 300 गुना बढ़ गई। पुरुष अपने भूखे बच्चों के लिए हिंसा पर उतर आए। अनाज का एक बोरा पाने के लिए लोग एक दूसरे का खून बहाने तक तैयार हो गए थे। जो असहाय थे पर भूखमरी में मर रहे थे, इस त्रासदी से उभरने में यूरोप को कम से कम 50 साल लगने वाले थे। जनता ने साहस दिखाया और इस भीषण परिस्थितियों से निकलने की कोशिश जारी रखी। धीरे धीरे साल गुजरने लगे और सब कुछ पटरी पर आ रहा था, पर तब कोई नहीं जानता था कि इससे भी बड़ी त्रासदी उनका इंतजार कर रही है। साल 1347, महीना अक्टूबर, तारीख इतिहास में दर्ज नहीं है, पर फिर भी न भूलने वाला दिन। यूरोप की हवा आम दिनों की तरह ही खुशनुमा थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे। जिंदगी फिर से पटरी पर दौड़ने की तैयारी कर रही थी। वहीं कुछ लोगों को इंतजार था अपनों के आने का। इसी इंतजार के साथ लोग सिसिली बंदरगाह पर खड़े हुए थे। दरअसल यहाँ कुछ व्यापारिक जहाज लौट रहे थे और इन जहाजों पर गए कामगारों के परिवार वाले उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे थे। सुबह होते होते जहाज बंदरगाह के तट पर आने लगे। एक के बाद एक आधा दर्जन जहाज जमा हो गए। लोग उत्सुकता पूर्वक जहाजों के दरवाजों को ताक रहे थे, पर उस ओर से कोई हलचल नहीं हुई। काफी देर तक जहाज से कोई नहीं उतरा था। भीड़ में ऐसे किसी ने हिम्मत करके जहाज पर कदम रखा। वहां का नजारा खौफनाक था। जहाज पर हर तरफ लाशें ही लाशें थी। इन लाशों के ढेर के नीचे कुछ जिंदा लोग अब भी आखिरी सांसें गिन रहे थे। जहाज के कप्तान किसी तरह नाविकों को उनके घर तो ले आए थे, पर मुर्दा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी ने एक एक करके लाशें नीचे उतारी। जिंदा बचे हुए लोगों को राहत शिविरों में लाया गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लोगों के शरीर धीरे धीरे काले पड़ रहे थे। जिसे जो समझ में आया वह कोशिश करने लगा। लाशों को एक साथ जमा किया, उन्हें दफनाने के लिए जमीन की खुदाई शुरू की। इस काम में सुबह से शाम हो गई। पूरा शहर बेहाल था। लोग थक कर दुखी मन के साथ बैठे हुए थे कि कुछ ही देर में कुछ और लोगों की तबीयत खराब होने की सूचना मिली।
ये वो लोग थे जो जहाज पर नहीं गए थे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये वो लोग थे जो जहाज पर नहीं गए थे, बल्कि उन मरीजों की सेवा कर रहे थे जो जहाज से उतारे गए थे। इसके बाद देखते ही देखते कई लोग बीमार होने लगे। चारों ओर चीखें गूंज उठी। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले ही ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। दरअसल यह प्लेग था। आखिर यहाँ तक पहुंचा कैसे? समस्या का समाधान तब हो सकता था जब यह पता चल पाए कि समस्या की जड़ कहाँ है। लेकिन उन हालातों में यह भी संभव नहीं था। बाद में हुई शोधों में पता चला कि प्लेग की महामारी चीन से होते हुए यूरोप पहुंची थी। दरअसल चीन में प्लेग की शुरुआत हुई थी 1340 के बाद। चीन में एक बार फिर प्लेग ने दस्तक दी, किंतु यह कहर केवल चीन की सीमा तक नहीं था बल्कि आगे बढ़ रहा था। दरअसल व्यापार की सहूलियत के लिहाज से एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए थल और जल मार्ग विकसित किए गए थे, क्योंकि सबसे पहले सिल्क का व्यापार शुरू हुआ था, इसलिए इस मार्ग का नाम सिल्क रोड दिया गया। 1346 में यूरोप के जहाज चीन पहुंचे थे। उस वक्त यहाँ प्लेग का कहर था और इस कहर से प्रभावित काले चूहे जहाज के सामानों के साथ सवार हो गए। यूरोपीय व्यापारी नहीं जानते थे कि वे चूहों के साथ प्लेग के संक्रमण को भी साथ ले जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सबसे पहले यूक्रेन के क्रीमिया में पहुंचे जहाजों में चूहों ने प्रवेश किया। जहाज वापस अपने देश जाने के लिए निकल पड़े। यह मार्ग कई हफ्तों का था। इस बीच हवा के संपर्क में आते ही प्लेग का संक्रमण जहाज पर सवार लोगों में भी फैलने लगा। धीरे धीरे जहाज पर सवार नाविकों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। ये वही जहाज थे जो 1347 में सिसली बंदरगाह पहुंचे थे। जब लोगों ने जहाजों से लाशें निकाली और रोगियों की सेवा करना शुरू की तो वे नहीं जानते थे कि यह प्लेग महामारी है। फिर जैसे जैसे लोग संक्रामक व्यक्ति के संपर्क में आते गए, वैसे वैसे उनकी हालात खराब होने लगी। कुछ ही हफ्तों में प्लेग एक शहर से दूसरे शहर और फिर गांव कस्बों में फैल गया। इतना ही नहीं बल्कि 8 महीनों के भीतर ही प्लेग ने अफ्रीका, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्कैंडिनेविया और बाल्टिक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। आलम यह था कि लोग महामारी के डर से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। दुकानें और व्यापार बंद हो गए। पुजारियों ने संकट की घड़ी में प्रार्थना करने की सलाह दी। समस्या तब विकराल हो गई जब शवों का अंतिम संस्कार करने वालों में से कोई नहीं बचा। इंसान तो इंसान, जानवरों ने भी दम तोड़ना शुरू कर दिया था। मौत का आंकड़ा पहले 1000 हुआ, फिर 10,000, फिर 50,000 और यह संख्या बढ़ते बढ़ते लाखों में तब्दील हो गई। एक अनुमान के मुताबिक 1350 तक प्लेग के कहर से यूरोप की 40% आबादी मौत के मुंह में समा चुकी थी। एशिया और अफ्रीका में भी मौत का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंच गया। करीब 3 साल बीत चुके थे। मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया था और उसी के असर से संक्रमण का असर कमजोर होने लगा। प्लेग का कहर रुक गया था। लोगों ने राहत की सांस ली, पर अब तक मौत का आंकड़ा 50 लाख के पार पहुँच चुका था। तो क्या भगवान खफा हो गए थे? प्लेग महामारी थी और उसका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तक कि कोई यह भी नहीं जानता था कि महामारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे में यह धारणा पैदा होने लगी कि ईश्वर हमसे खफा हैं और इसलिए वह कहर बरपा रहे हैं। रोमन कैथोलिक धर्म की शोधन स्थान या पर्गेट्री की शिक्षा ने इस धारणा को मजबूत बना दिया। लेखक दांते ने द डिवाइन कॉमेडी नामक किताब में नरक और पर्गेट्री के बारे में भयानक ब्यौरा दिया। इसके बाद लोगों ने प्लेग को ईश्वर का कहर ही माना। नतीजा यह हुआ कि चारों ओर अंधविश्वास का माहौल बनने लगा। फिलिप जिग्लियर ने अपनी किताब द ब्लैक डेथ में कहा कि लोगों को उनके अपने विश्वासघात ने ही बर्बाद कर डाला है। यूरोप में 2 किस्म का प्लेग फैला था। पहला था न्यूमोनिक, जिसमें तेज बुखार और खून की उल्टी होती और 3 दिन के अंतर मरीज की मौत हो जाती। दूसरा था ब्यूबोनिक, जिसमें मरीज की जांघों के जोड़ और बगल में गिल्टी निकल आती, जिसमें पस भर जाता और 5 दिन में मौत हो जाती। दूसरी किस्म के प्लेग से सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। चूंकि बेहतर भोजन न मिलने के कारण यूरोप की जनता की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी, इसलिए वे जल्दी जल्दी इसकी चपेट में आ रहे थे। अंधविश्वास के कारण लोग चर्च पहुँचने लगे, प्रार्थनाएं होने लगी। जब इसे फायदा नहीं हुआ तो तंत्र साधना की मदद ली गई। इससे प्लेग तो ठीक नहीं हुआ, पर कुछ लोग धनी बन गए। इस महामारी को खत्म होने में 5 साल लग गए।
एक बार नहीं बल्कि रुक रुक कर प्लेग का कहर सदी के अंत तक 4-5 बार आया। उस दौरान यूरोप का माहौल पहले विश्व युद्ध से ज्यादा भयावह था। आबादी कम होने से मजदूरों की संख्या कम हो गई, रोजगार के अवसर लगभग खत्म हो गए। चर्च में प्रार्थना से कोई लाभ नहीं हुआ तो लोगों का ईश्वर पर से भरोसा भी उठने लगा। इस विषय में द ब्लैक डेथ की किताब में लिखा है कि इस दौर के एक अलग ही पंथ का निर्माण हुआ जिसे कोड़े मारने वाला पंथ कहा गया। इसमें 80 लाख सदस्य थे। ये सदस्य सरेआम खुद को कोड़े लगाते थे। मिडिवेल हेरेसी ने अपनी किताब में लिखा कि इन पंथियों का मानना था कि चर्च में ताकत नहीं है। पोप ने इस पंथ का विरोध किया और लोगों में काफी मशहूर हुए क्योंकि ये खुद को तकलीफ देते थे। उनका मत था कि ईश्वर हमसे खफा है, इसलिए हमें भी वहाँ यातना झेलनी होगी जो ईश्वर ने झेली। 1894 में फ्रांसीसी जीवाणु वैज्ञानिक ऑर्सनेंदा यन्नस ने प्लेग फैलाने वाले बैक्टीरिया का पता लगाया। इस बैक्टीरिया का नाम यर्सिनिया पेस्टिस रखा गया। इसके बाद 1898 में फ्रांसीसी पॉल लुईस इमॉन ने बताया कि प्लेग चूहे और गिलहरी जैसे छोटे छोटे जानवरों में पाए जाने वाले पिस्सू से फैलता है। इन खोजों के बाद प्लेग की रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार किए गए, किंतु राहत आज भी नहीं है क्योंकि लोग प्लेग का कहर आज भी नहीं रुका है। वैक्सीन बनने के बाद भी 1910 में मंचूरिया में करीब 50 लाख लोगों की मौत प्लेग से हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है कि प्लेग धरती से खत्म नहीं हुआ है। आज भी रह रहकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्लेग से मौतें होती रहती हैं। माना जाता है कि जब तक लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते प्लेग का शिकार होते रहेंगे। साकलिन ब्रासले और आंत्री मोलारे ने पुरक्वा द प्लेस ला रॉली पियूस एला बीबान नाम की किताब में लिखी है जिसमें उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि जिस प्लेग ने मध्य युगों में यूरोप में दहशत और बर्बादी फैलाई थी वह भविष्य में भी इंसानों के लिए खतरा है। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए महत्वपूर्ण और खास खबर मैंने खुद लिखी थी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।